हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान विद्वान एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करिबा आपणकर ओडिसा जीके। एही सेशन रे मु आपणमानक पय टॉप 50 क्वेश्चंस नै आसीछि, जहा कि आपणकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु इम्पोर्टेंट रहिबो। तो चलन आज के सेशन रे आरंभ करिबा। देखिबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु। द कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच गंगा डायनेस्टी रूलर। क्वेश्चन पचला आपणकर कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी निर्माण करा जाय दिला औ तहा अपन करो को रूलर अंडर रे यह निर्माण कार्य आरंभ होई थिला। तो इठे अपन करो करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन सी, जहे कि अपन करो नरसिम्हा देवा फर्स्ट। अपन करो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जीवो नरसिम्हा देवा फर्स्ट। औ यह अपन करो 1250 मसिया रे 1250 मसिया रे यह निर्माण करा जाय थिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ईयर द कोणार्क टेम्पल डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज बाय द यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा आपणकर कोणार्क टेम्पल को केउ वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे मान्यता मिलथिले। तो आपणकर करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, जे कि आपणकर 1984 रे आपणकर कोणार्क टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे मान्यता मिलथिले यूनेस्को द्वारा। हम कहि रखिबे तो आपणकर ओडिसा रो यह होची एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क टेम्पल को एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमर ओडिसा रे अछि, बुझेला। चलो तो जीवा क्वेश्चन नंबर 3। कोणार्क टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट शॉर्टकट अलोंग विथ व्हिच अदर टू साइट्स। तो आपनकर करेक्ट आंसर आसी जीवो ऑप्शन ए, जकि आपनकर पुरी एवं भुवनेश्वर। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सैक्रेड फ्लैग एट द टॉप ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल्स मेन स्पायर कॉल्ड। तो आपनकर जो जगन्नाथ टेम्पल जो पताका अछि ताकू कोन कहा जाय, क्वेश्चन पचला ताकू आपनकर पतित पावन बोली कहा जाय। ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाइट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी। એટલે પુરી રે જગન્નાથ ટેમ્પલ ટેમ્પલ રો હાઇટ કેતે અછે? તો જગન્નાથ ટેમ્પલ રો હાઇટ આપણકર 214 ફૂટ અછે। ઓપ્શન એ આપણકર કરેક્ટ આન્સર હે જો 214 ફૂટ તાર હાઇટ અછે। ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 6, વોટ યુનિક ફીચર ઓફ કોણાર્ક ટેમ્પલ અટ્રેક્ટ્સ અટેન્શન ઓફ ધ પીપલ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ। તો ક્વેશ્ચન કહેલા કોણાર્ક ટેમ્પલ રો કોણ એમતી વિશેષત્વ અછે બા તાર કોણ એમતી અટ્રેક્ટ પોઈન્ટ અછે जैकि ऑल ओवर वर्ल्ड लोक मान से अट्रैक्शन कर। तो ये अपन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जैकि कोणार्क व्हील। कोणार्क व्हील ऑप्शन सी अपन करेक्ट आंसर है। तो अपन माने जानी थी रिसेंटली G20 एवं अपन जो न्यू ईयर टाइम से अच्छी सेठी यहाँ को स्थान दिया जाए अपन जो कोणार्क व्हील। Then question number 7, which historical king is often credited with the construction of the Jagannath temple in Puri? तो ये अपन का करेक्ट आंसर आ सी जीवो ऑप्शन सी, जे कि अपन किंग अनंत वर्मन चोड़गंग। अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा अपन जानी थी अपन का जगन्नाथ टेम्पल निर्माण करा जाए थिला। Then question number 8, द गुंडीचा टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द रथ यात्रा फेस्टिवल। आपण माने जानिथे गुंडीचा टेम्पल, तो एठे आपण करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जीवो, जेके आपण को द डेट इज रिटर्न जर्नी टू द मेन टेम्पल। जेबे आपण को बाहुडा यात्रा होय ना, तो सेउटू आपण को गुंडीचा मंदिर रो महाप्रभु आसी के जगन्नाथ मंदिर रे प्रवेश करनती, ताको आपण को बाहुडा यात्रा बोली कहनी। ऑप्शन सी आपण को करेक्ट आंसर है जीवो। Then question number 9, what is the name of the wooden image that is ritually carved and painted to represent the deities during the Navakalavara festival? So, here we have option B, we have the correct answer, which is the Daru Brahma. So, we have the Daru Brahma. Then question number 10, what is the purpose of the Natto Mandira इन द कोणार्क सन टेम्पल? कहले आपन जो कोणार्क जो सन टेम्पल जो नाट मंडप मंदिर अछि तार उद्देश्य कोन से नाट मंदिर रो? तो नाट मंदिर रो उद्देश्य होछि जे कि सेठी आपन रिचुअल
डांस परफॉर्मेंस करा जाए। ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर है जो जाकि आपनकर रिचुअलिस्ट डांस परफॉर्मेंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मुक्तेश्वर टेंपल इज ऑफन कंसीडर ए जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर इन व्हिच सिटी इट इज लोकेटेड। केला आपनकर मुक्तेश्वर टेंपल को डिस्ट्रिक्ट रे को डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। तो आप मुक्तेश्वर टेम्पल जैक आप भुवनेश्वर अवस्थित। ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर है जैक आप मुक्तेश्वर टेम्पल शिव शिवों पर प्रसिद्ध आपणकर 950 रु 975 ख्रीटाब्दी यह निर्माण कर मुक्तेश्वर टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टेम्पल इज रिनोवेटेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एरोटिक स्कल्पचर। तो ये आपंकर ओब्वियसली ऑप्शन सी आपंकर करेक्ट आंसर आसीज कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल जो तार निर्माण शैली से प्रसिद्ध आपंकर ऑप्शन सी आपंकर करेक्ट आंसर हो। देन क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ा राजा टेम्पल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपंकर बुढ़ा राजा टेम्पल ओडिशा को डिस्ट्रिक्ट अवस्थित। ओडिशा रा आपनकर संबलपुर रे पाइबे आपन बुढ़ा राजा टेम्पल। आपनकर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 14, पंचलिंगेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपन माने जानिथिबे आ पंचलिंगेश्वर टेम्पल जैकि आपनकर शिव आपन माने तको पानी तळे आपन माने शिवलिंग देखिबा को पाइबे। तो आपनकर यह पंचलिंगेश्वर टेम्पल आपन माने बालेश्वर देखिबा को पाइबो। ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर है जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 15, तारा तारिणी टेम्पल लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपनकर तारा तारिणी टेम्पल आपण माने गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे देखिबा पाइबे। ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 16, नीलमाधव टेम्पल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपण माने नीलमाधव टेम्पल आपण माने नयागढ़ देखिबा पाइबे। ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 17, गडचंडी टेम्पल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपनकर गडचंडी टेम्पल आपन मानकर केउजा डिस्ट्रिक्ट आपन देखिबा पाइबे। ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर हे जो। देन क्वेश्चन नंबर 18, अलारानाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपनकर अलारानाथ टेम्पल आपनकर पुरी जहरे आपन देखिबा पाइबे। ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर हे जो। देन क्वेश्चन नंबर 19, तो गांधी टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आपण मानकर गांधी टेम्पल ओडिशा रे केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। गांधी टेम्पल आपण माने देखिबा को पाइबे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे। आपण माने गांधी टेम्पल देखिबा को पाइबे यह आपणकर इम्पोर्टेंट आसीबो क्वेश्चन डी। गांधी टेम्पल आपण माने संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने देखिबा को पाइबे जहाकि आपणकर बाटरा ठारे आपणकर गांधी टेम्पल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आप देखा पाइबे। यह आपंकर निर्माण कर गांधी टेम्पल 1974 निर्माण होता। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच ईयर गांधी टेम्पल वाज बिल्ट। गांधी टेम्पल आपणकर 1974 निर्माण करलरेडी कही सारी 1974 यह निर्माण होता आप गांधी टेम्पल संबलपुर ठारे। देन क्वेश्चन नंबर 21, द लिनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज सिचुएटेड इन व्हिच रिवर बैंक। आपण मान जानिथिबे लिनिंग टेम्पल आम ओडिशा रे गोटे लिनिंग टेम्पल अछि जहाँकि कहते वक्र मंदिर बोलिक देखु यह आपणकर लिनिंग टेम्पल बा हुमा बोले हुमा टेम्पल बोलिक कहते देखते टेम्पल टिके वक्र वक्र अवस्था अच्छी ये टेम्पल आपने संबलपुर ठारे यहाँ देखा पाइबे। क्वेश्चन पचारा द लिनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज सिचुएटेड इन व्हिच रिवर बैंक। क्वेश्चन कहला जे आपनकर जो लिनिंग टेम्पल हुमा अछि संबलपुर ठारे यह केउ नदी कूल रे यह अवस्थित। तो यह आपनकर महानदी कूल रे यह अवस्थित। ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो। ए क्वेश्चन रे आपन दुटा जिंस लक्ष्य करंतु लिनिंग टेम्पल जहार ना होछि आपनकर हुमा बा वक्र मंदिर बोली त कोंति वक्र मंदिर बोली कोंति जार नाम हूँ हुमा मंदिर जहाँकि आप संबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखा पाइबे। और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट यह आपंकर महानदी कूल जो टेम्पल टी आप अवस्थित।
देन चलन जीवा क्वेश्चन नंबर 22 जगन्नाथ टेम्पल बिलोंग्स टू व्हिच सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल आपनकर को सेंचुरी रे बिलोंग करूची ना आपन जगन्नाथ टेम्पल आपन 12th सेंचुरी रे या बिलोंग करूची त आपनकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच टेम्पल इज बिल्ट अलोंग द बैंक ऑफ बिंदु सागर लेक तो एठे आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन सी जहा कि आपनकर अनंत वासुदेव टेम्पल अनंत वासुदेव टेम्पल ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर हो जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ओडिसा कले हम ओडिसा रो सबोठारो ओल्डेस्ट टेम्पल तार नाम कोन तो ए तार नाम हो छि आपनकर ऑप्शन बी जहा कि परशुरामेश्वर टेम्पल ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो। मन रखंतु फ्रेंड्स हम ओडिसा रो सबोठारो ओल्डेस्ट टेम्पल जार नाम हो छि परशुरामेश्वर टेम्पल एहा हम ओडिसा रे 18th सेंचुरी रे एहा निर्माण करा जायतिला आपनकर परशुरामेश्वर टेम्पल जहा कि आपण माने ए जो परशुरामेश्वर टेम्पल को आपण माने भुवनेश्वर रे देखिबा को पाइबे भुवनेश्वर रे याको देखिबा को पाइबे परशुरामेश्वर टेम्पल ओडिसा रो सबुठारो ओल्डेस्ट टेम्पल जहा कि आपनकर 18th सेंचुरी रे एहा निर्माण होइतिला आ एहा को आपण माने भुवनेश्वर रे याको देखिबा को पाइबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच टेम्पल इज लोकेटेड इन जाजपुर ऑफ ओडिसा किला को टेम्पल टी आपण माने जाजपुर रे देखिबा को पाइबे देखंतु हुमा आपण माने संबलपुर रे देखिबा पाइबे तारातारिणी आपण माने गंजाम रे देखिबा को पाइबे एवं जाजपुर रे आपण माने बिरजा देखिबा को पाइबे बिरजा मंदिर मां बिरजांगर मंदिर आपण माने जाजपुर रे देखिबा को पाइबे एवं जाजपुर को आपणकर बिरजा क्षेत्र बोली मध्ये कहा जाय ऑप्शन डी आपणकर एटी करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच टेम्पल इज लोकेटेड इन केउनसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा किला को टेम्पल टी आपण माने केउनसर रे देखिबा को पाइबे तो आपण माने ऑप्शन सी आपणकर करेक्ट आंसर हे जीवो जाकी आपणकर काचिकेश्वर कहि ना आपणकर हुमा संबलपुर तारातारिणी आपणकर गंजाम रे एवं बिरजा आपणकर जाजपुर रे एवं काचिकेश्वर आपणकर केउनसर आपण माने देखिबा को पाइबे काचिकेश्वर देवी। देन अ क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज क्लासिफाइड एज द पंचनाट्य तो आपणकर एठी करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर हे जीवो जहा कि आपनकर ब्रह्मेश्वर ब्रह्मेश्वर को आपनकर पंचनाट्य रे यह अंतर्भुक्त करा जाय छी। देन क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज डिस्क्राइब्ड एट टाइम क्वाइटनेस ऑफ द कलिंग आर्किटेक्चर तो आपनकर एठी करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन डी जहा कि आपनकर लिंगराज टेम्पल। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्विज ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन ओडिशा रिजेम्बल्स विथ द कांदारिया महादेव टेम्पल ऑफ काजुराओ तो एहको आपनकर राजाराणी टेम्पल को मध्ये कहा जाए ऑप्शन ए आपनकर एठी करेक्ट आंसर हे जीवो राजाराणी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 30 बोईताल देवल टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच स्टाइल तो आपनकर एठी करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन ए जहा कि आपण कहंती खाकारा स्टाइल तक कहंती खाकारा स्टाइल जहा कि यह आपणकर 18th सेंचुरी रो निर्माण करा जायतिला 18th सेंचुरी निर्माण करा जायतिला आपणकर बोईताल टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 31 बोईताल देवल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू आपणकर बोईताल देवल टेम्पल डेडिकेटेड कहा को डेडिकेट करा जायछि ना हमर ऑप्शन सी जे कि आपणकर गणेश चामुंडा गणेश चामुंडा को आपणकर बोईताल देवल टेम्पल डेडिकेटेड करा जायछि। देन क्वेश्चन नंबर 32 द डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिसा कंसिस्ट ऑफ ललितगिरी उदयगिरी एंड रत्नगिरी ए रिमाइंडर ऑफ व्हिच रिलीजन इंपोर्टेंस ऑफ ओडिसा यह आपणकर ओडिसा रो को रिलीजियस को यह इंपोर्टेंस देथे ना है को आपणकर बुद्धिस्ट ऑप्शन डी आपणकर करेक्ट आंसर हे जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 33 द व्हाइट पगडा ऑफ ओडिसा बिलोंग्स टू व्हिच रिलीजन आपणकर व्हाइट पगडा ओडिसा रो व्हाइट पगडा को रिलीजन को से बिलोंग करिथे ना आपणकर करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन डी जे कि बुद्धिस्ट रिलीजन को से बिलोंग करथे आपणकर व्हाइट पगडा जे कि आपण माने धोली को आपण मानकर व्हाइट पगडा बोली कहंती धोली को आपण मानकर व्हाइट पगडा बोली के कहा जाय धोली। देन क्वेश्चन नंबर
34 ब्लैक पगड़ा ओडिशा बिलोंग्स टू व्हिच रिलीजन आपण मान जानी थे ब्लैक पगड़ा आपनकर कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगड़ा बोली के कहंती कोणार्क सन टेम्पल को आपनकर ब्लैक पगड़ा बोली कहा जाए यह आपनकर को रिलीजियस को यह बिलोंग करूची तो एठे आपनकर करेक्ट आंसर है से जो ऑप्शन बी जे कि हिंदूइज्म हिंदूइज्म को यह बिलोंग करची आपनकर ब्लैक पगड़ा देन आपनकर क्वेश्चन नंबर 35 बिरजा मंदिर इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर बैंक आपणकर बिरजा मंदिर जो जाजपुर आपण मानकर बिरजा मंदिर अछि मा बिरजांगर मंदिर से आपणकर को रिवर कूल रे बा को नदी कूल रे हा सिचुएटेड अवस्थित तो एठी आपणकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जो बैतणी नदी नदी कूल रे आपण माने बिरजा टेंपल आपण माने देखिबा को पाइबे। देन क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिसा तो आपणकर ओडिसा रे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ कहते आपणार हाइएस्ट वाटरफल बरेही पानी वाटरफल को आपंकर हाइएस्ट वाटरफल बोली कहते ऑप्शन बी आपंकर करेक्ट आंसर हो जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 37 इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेही पानी फॉल्स हाइएस्ट वाटरफल इन ओडिशा लोकेटेड पहला आपंकर जो बरेही पानी वाटरफल अच्छी ओडिशा हाइएस्ट वाटरफल बोली कहते बरेही पानी वाटरफल को से आम ओडिशा को डिस्ट्रिक्ट अवस्थित से आम ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर हो जीवो। देन क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द हाइट ऑफ बरेही पानी वाटरफॉल कोसी बरेही पानी वाटरफॉल हाइट केत अछि तो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हे जीवो जेके आपनकर 359 मीटर तार हाइट अछि बरेही पानी वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच सिटी इज नोन एज द टेंपल सिटी ऑफ ओडिशा कोसी ओडिशा को ओडिशा रो को सिटी को आपनकर टेंपल सिटी बोली की कहा जाए तो एटी आपनकर करेक्ट आंसर हे जबो ऑप्शन डी जे कि आपनको भुवनेश्वर को ओडिसा रो टेंपल सिटी बोली की कहंती ओडिसा रो टेंपल सिटी बोली की आपनकर भुवनेश्वर को कहंती टेंपल सिटी बोली की जे कि आपन माने पाखा पाखी 700 रु अधिक मंदिर सिटी आपन माने देखिबा को पाइबे। देन क्वेश्चन नंबर 40 The temple of Bimala in Puri is dedicated to which goddess? कुछ ही अपन करो जो पुरी रे अपन जो बीमला मंदिर हो ची, तहा को goddess को यह dedicate करा जाए ची, तो अपन करो correct answer है जो पार्वती option A जैसे अपन करो goddess पार्वती को यह dedicate करा जाए ची अपन करो बीमला मंदिर। Then question number 41, what is the primary material used in construction of the Sun temple at Konark? तर जो मटेरियल यूज करुचंती जटके प्राइमरी मटेरियल बा मुख्य मटेरियल बोली कहउचंती से मटेरियल ना कोन क्वेश्चन पचरला तो ताकू आपनकर जाके आपनकर सैंड स्टोन ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर आइ जबो सैंड स्टोन से सैंड स्टोन प्रचुर भाबर व्यवहार करा जाय छी। देन क्वेश्चन नंबर 42 रामचंद्र टेंपल इन पुरी सिचुएटेड साइड टू व्हिच रिवर आपनकर जो रामचंद्र टेंपल अछि से ता आपनकर क्यों नदी कूल रे अवस्थित आपनकर रामचंडी टेंपल तो आपनकर रामचंडी टेंपल आपनकर कुशभद्र ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो कुशभद्र नदी कूल रे अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्वड इन जगन्नाथ धाम पुरी तो आपनकर जो जगन्नाथ धाम पुरी रे जो लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व करा जाए ताको आपनकर चंदन यात्रा बोली कहंती ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर है जो चंदन यात्रा जहाँकि आपनकर चंदन यात्रा टोटल 42 दिन धरि के यह ऑब्जर्व करा जाए 42 दिन धरि के यह ऑब्जर्व करा जाए चंदन यात्रा। देन आपनकर क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गड क्षेत्र ऑफ ओडिसा गड क्षेत्र ओडिसा रा गड क्षेत्र कहा को कहंती तो ओडिसा रा गड क्षेत्र आपनकर जाजपुर को कहंती ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर है जो। देन क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एकाम्र क्षेत्र ऑफ ओडिसा ओडिसा रा एकाम्र क्षेत्र का कोंती ओडिसा रा एकाम्र क्षेत्र आपण भुवनेश्वर को कोंती ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जो। देन क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द तुलसी क्षेत्र ऑफ ओडिसा ओडिसा रा तुलसी क्षेत्र का कोंती तो ओडिसा रा तुलसी क्षेत्र आपण केंद्रापड़ा का आपण ओडिसा रा तुलसी क्षेत्र कोंती ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो। देन क्वेश्चन नंबर 47 तारिणी टेंपल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा आपण मानकर तारिणी टेंपल ऑप्शन ए जेकि आपण केउनसा डिस्ट्रिक्ट रे पाइबे घटगांठा रे आपण मानकर तारिणी टेंपल आपण देखिबो पाइबे। देन क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच टेंपल इज आल्सो नोन एज द चिलिका टेंपल
ଆପଣଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାକୁ କାଳିଜାଇ ଟେମ୍ପଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 49, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ସ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କୋରାପୁଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 50, ହାଉ ମେନି ବ୍ଲକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି? ତ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ 7ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ଟପ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେସନ୍ରେ।